हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम अच्छे हैं, और ख़ासकर अभी जो हम लोग जा रहे हैं, अभी खासकर यहाँ से हम जो जा रहे हैं, यहाँ तेजस्वी यादव जो आ रहे हैं, हमारे आरजेडी नेता हैं, उन्हीं को मतलब स्वागत के लिए जा रहे हैं कि चलिए, मतलब वहाँ पे वो आ रहे हैं तो हम लोग स्वागत के लिए जा रहे थे। आपको सोचे कि इस पर ब्लॉग बनाते हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हैं कि हम लोग कैसे उनको मतलब स्वागत करते हैं। अगर मिलने का मौका मिला तो मिलेंगे भी, और ख़ासकर जो अभी चलते हैं, कोशिश है कि मिल ही लेंगे, क्योंकि अब कुछ बात ऐसी हो गई, पद वहाँ तक हो गया कि बात चलो ठीक है मिलते हैं। बाकी कोई नहीं, यहाँ पे अभी जाते हैं, जो स्वागत करेंगे सब कुछ आपको दिखाएंगे। अच्छा, अभी धूप कुछ मतलब ये स्किन पे आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा आँख बंद हो रहा है। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं, सारा ब्लॉग आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए आप लोग कंटिन्यू रहिए। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से हम लोग सब आदमी निकल चुके हैं, और एक गाड़ी और भी आ रहा है, और साथ में सब आगे हुआ है। तो कहाँ जा रहे हो? अच्छा, और सब इधर से भी जा रहा है। प्रियांशु, मेन यही है, देख सकते हैं आप, हम लोग के बीच में जो है, हम लोगों का मेन हेड हुआ। हाँ, ये हम लोगों का मेन हेड हुआ। अच्छा, हाँ, और ये कृष्णा भाई, बड़े भाई हैं, जो देख रहे हैं सबसे आगे सीट पे बैठे हुए हैं, और खासकर इनके अंदर कुछ ज्यादा ही ये है मतलब मिलने का, है ना। और जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी से मिलने, और चलिए मिलते हैं, उसके बाद जो हम दिखाते हैं आपको सब आदमी को कैसे मिलते हैं और स्वागत करते हैं। खासकर एक गाड़ी और है जो बहुत पीछे आ गया और आगे दिखाते हैं। यहाँ पे जो सब आदमी पहुँच गए हुए हैं, और सब आदमी पूरा तैयार है। ये कृष्णा भाई देख रहे हैं एकदम पूरा एकदम तान दिए हमें एकदम शर्ट का बटन को, और सब गाड़ी सब भी आ गया, देख सकते हैं सब गाड़ी जाने के लिए पूरा लगा हुआ है। और बाकी और भी जो है लोग आ रहे हैं, बाकी और सबको दिखाते हैं जो आने वाला है। चलिए ठीक है, देख सकते हैं एक अपना जो देख रहे हैं, ये गाड़ी आगे जा रहा है, और गाड़ी सब भी आगे चला गया हुआ है, और एक पीछे भी है। देख रहे हैं आपकी सब गाड़ी जो है यहाँ पे आ गया हुआ है, सब यहाँ पे आगे देख रहे हैं, स्कॉर्पियो सब लगा है, उसके आगे भी और गाड़ी सब लगा हुआ है, और यहाँ पे सब आदमी देख रहे हैं, सब आदमी एकजुट हो चुके हैं, और यहाँ से निकलने का प्लान हो रहा है, और खासकर यहाँ बैठ के हम लोग प्लान भी कर रहे हैं कि क्या क्या मतलब स्वागत कैसे किया जाए, है ना, हमारे जो नेता आ रहे हैं तेजस्वी यादव। और बाकी जो है, चलिए आप लगे रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए, और आपको हम दिखाते रहेंगे, और कोशिश कर रही है कि आप भी सपोर्ट करें। देख सकते हैं यहाँ पे साथ में थाना भी जा रहा है पूरा, और जो है देखते रहिए, सब आदमी साथ में चलते हैं। दोनों तो सेम ही लग रहा है, बता दे क्वालिटी। देख सकते हैं हम लोग आगे कॉलेज बेनीपट्टी में जो है पहुंच गए हुए हैं, और सारा चीज़ है, सब लड़के लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से सब आदमी एक जगह होंगे, एकजुट होंगे, और यहाँ से जो है निकलने का पूरा प्लान किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सब गाड़ी भी लगा हुआ है, देख रहे हैं एक से एक सब आदमी जो है मिल के स्वागत किया जाएगा। तेजस्वी जी का मधुबनी आगमन है, और हजारों छात्र जो देख रहे हैं सड़क पर है, आपके साथ हैं, छात्र संघ जुड़े हुए हैं, नौजवान भी बहुत ज्यादा हैं, गिनती नहीं किया जा सकता, और आपके नेतृत्व में लोग इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं, इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे
मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी मधुबनी की धरती पर आगमन करने जा रहे हैं, तो हम लोगों के द्वारा छात्र संघर्ष समिति जो पूरे जिला के विभिन्न प्रखंड विभिन्न पंचायत तक जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है छात्र संघर्ष समिति में लाखों छात्र नौजवान और युवा साथी जुड़े हुए हैं। मतलब छात्र संघर्ष समिति का प्रभाव यानी मेरा प्रभाव मेरे नेतृत्व में पूरे इसका प्रभाव हर एक गांव में है, सभी जाति धर्म के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और आदरणीय तेजस्वी जी आज आ रहे हैं इनका स्वागत करने के लिए। जो हजारों छात्र नौजवान और युवा साथी जिले के हैं सभी यहाँ। बड़ी बात कहा आपने कि हर पंचायत और गांव में बोल रहे हैं, तो मतलब है कि मधुबनी जिला की बात अगर की जाए तो ये हर विधानसभा को आप छू रहे हैं। देखिए मेरा कर्म क्षेत्र एक विधानसभा तक सीमित नहीं है, पूरा जिला है, हर एक विधानसभा के हर एक गांव में 500 बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, इसलिए कि एक नेता का तो एक कर्म क्षेत्र होता है, एक विधानसभा होता है, लेकिन आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि पूरे जिला में हर जगह आपका कर्म क्षेत्र। जी जी जी, यह बात आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय लालू यादव जी को पता है जो संतोष यादव का कर्म क्षेत्र पूरा जिला में है और इसका प्रभाव पूरे जिला में है। कितने साल से आप छात्र समिति है, संघर्ष समिति को आप? लगभग 20 सालों से है यह और छात्र संघर्ष समिति और स्टूडेंट यूनियन। कैमरामैन के कैमरा का पूरा चारों साइड घुमा कर देखे थे, भीड़ देख सके थे 1000 से ऊपर जनसंख्या में युवा नौजवान जिला के हर क्षेत्र हर ब्लॉक हर पंचायत से इस जगह पर आयल छत एतक भीड़ किया छे सेहो लोग कह सके छी। तो आभार यात्रा पर निकल छ जे में मधुबनी के सर्किट हाउस सेहो आबि रहल छत और ई जे भीड़ आ हुजूम देख रहल छे ई संतोष यादव जी हमर बगल में छत जे छात्र नेता हमरा लागे हम बहुत बच्चा रहौ तहिए से इनका देखे छन और कतेक साल से छत से नहीं पता इनके से बात करब बता दियो। जैन कॉलेज हो आर के कॉलेज हो जब भी मधुबनी के DNY कॉलेज हो कोनो भी छात्र संघ के कोनो भी कठिनाई हो तो संतोष यादव जी ओत खड़ा हो छथिन, कोनो भी भ्रष्टाचार हो छे ओय के लेल आंदोलन करे छथिन और हमरा लागे जे 2025 में विधायक तिधायक के टिकट लेथिन की लेथिन ओने पता इनके से विशेष बात करब और जानकारी। भैया पहले तो अपने मिथिला सदन में बहुत बहुत स्वागत है। आज तेजस्वी यादव जी आबि रहल छथिन और अपने एतेक हुजूम के लक उनकर स्वागत में से किया। बिहार का भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी है और 17 महीना में जो 5,00,000 सरकारी नौकरी दे के काम कर लगे जिसमें सभी जाति धर्म के लोग के नौकरी मिल गई और तेजस्वी जी मधुबनी के धरती पर आगमन कर रहा है, तो छात्र संघर्ष समिति जकर प्रभाव जिला का सभी गांव में सभी पंचायत में सब प्रखंड में देख सकते हैं कि आप देखे हैं कि सारे लोग जो हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं और देख सकते हैं कितने भी गाड़ी यहाँ पे हैं जो कि इनके स्वागत के लिए मतलब सब यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से रेडी है और देख रहे हैं हर जगह जो है आदमी का एक ग्रुप बनाया गया है और जहाँ पे हर एक ग्रुप का लड़का सब मतलब यहाँ पे जो है और सब एक दूसरे से विचार कर रहे हैं कि कैसे स्वागत किया जाए और खास कर देख सकते हैं कितने भी गाड़ी है और सारे लोग तैयार हो गए। अब यहाँ से निकल रहे सर्किट हाउस और फिर आपको दिखाते हैं सारा। इस बार हम लोग 10 का 10 सीट विधानसभा चुनाव में जीतने वाले हैं और नेतृत्व में हम लोग प्रखंड से हमारे नेता जी आ गए, हम लोग पूरे स्वागत में और जा रहे हैं। धन्यवाद आप लोगों का। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हजारों की संख्या में भीड़ है और सारे लोग जो यहाँ पे एक से एक रिपोर्टर से भी आए हुए हैं और सारे लोग देख सकते हैं पीछे देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है और काफ़ी लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं और सब आदमी यहाँ पे जो है तेजस्वी यादव के स्वागत में जा रहे हैं। चलिए आपको सारा कुछ फिर से दिखाते हैं और इसी ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग अगर स्वागत देखना चाहते हैं तब फिर ऐसे नहीं देख रहे हैं। Yeah.
टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। संतोष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संतोष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे गरीबों का नेता कैसा है, संतोष यादव जैसा हो। गरीबों का नेता कैसा है, संतोष तो देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव अभी इसी गाड़ी से आए हैं और देख सकते हैं कितना भी यहाँ मतलब पुलिस तैनात है और इतने सारे भीड़ है, कुछ कह नहीं सकते हैं, हजारों की चले गए हमें। देख सकते हैं अब यही जो है तेजस्वी यादव की कार मतलब है, या पता नहीं, मुझे कंफर्म पता नहीं कि किस इनका कार है, बट इन्हीं इसी कार से अभी आए हुए हैं और ये कार जो है आप देख सकते हैं, देख समझ गए कौन सा गाड़ी है, ये फॉर्चूनर ही है। बाकी अभी देख सकते हैं गेट पे कितना भीड़ लगा हुआ है और अभी अंदर में है वो। और हाँ दोस्तों, अभी जो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, अभी तक यहाँ पे जो है भीड़ बना हुआ है बट काफ़ी लेट हो चुका है, तो सोचे कि आप कितना देर मिले, सोचे कि आप चलते हैं। अभी तेजस्वी यादव जो है यहाँ पे रुकेंगे इस आवास पे, क्या है डिस्ट्रिक्ट गेस्ट हाउस, यहाँ पे रुकेंगे ये, तो फिर आपको चलिए
वीडियो देख के कैसा लगा जरूर बताइएगा। तेजस्वी यादव को भी आपको दिखाए हैं, हमको कभी देखे नहीं थे लाइव में, पहली बार देखे। बाकी चलिए आप लोग देखे कैसा बताइएगा फिर आपको। तेजस्वी यादव को देख के कैसा लगा? बहुत मतलब जिंदगी सफल हो गया, धरती पे आए थे इसीलिए। अच्छा अच्छा, ऐसा लग रहा है जिंदगी सफल हो गया। बट यही है कि हम भी पहली बार देख के बहुत खुशी हुआ और जिंदगी में। और हमारे भैया बहुत मस्त है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद और रहेगा, है ना स्मार्ट भाई साहब, है ना। सबका नेता स्मार्ट नहीं होता, बट हमारा नेता स्मार्ट है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए लाइक कमेंट।